class interval and frequency. Median is also given to us, and what you are asked to find out is, you are asked to find out the values of x and y. Second type of problem. First type of problem was a direct problem where all the information was given to you and you are asked to find out the median. Now median is given to you and you are asked to find out the missing frequency. So second type of problem. First type of problem, directly you are supposed to find it. Second type of problem, missing frequencies you are asked to find out. So how to find out that? You see, here first let us find out the median class. How to find the median class, sir? Here already they have given the median to you. This is the median, 28.5. So 28.5 will be between 20 and 30. 28.5 किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा. तो ये वाला आपका मीडियन क्लास होगा. क्या होगा? ये वाला आपका मीडियन क्लास होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने मीडियन दे रखा है और मीडियन कितना है? 28.5 किसके, कौन से दो संख्याओं के बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में. इसलिए मैं यहाँ पर मीडियन क्लास लिखूंगा 20 to 30. क्या लिखूंगा मैं मीडियन क्लास? 20 to 30 लिखूंगा. 20 to 30 लिखने के बाद अब मुझे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास चाहिए. तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होगा बच्चों 20. लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना होगा? 20. देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट n बाई टू, यानी दिस इज 60. तो 60 डिवाइडेड बाई टू कितना होता है? 30. 60 डिवाइडेड बाई टू कितना होता है? 30. सो फर्स्ट स्टेप मीडियन क्लास मैंने ढूंढा. नेक्स्ट स्टेप लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. नेक्स्ट स्टेप n बाई टू ढूंढा. नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई शुड डू इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. तो ये होगा देखिए कैसे. सो दिस इज 5. This is 5 plus x. This plus this, 5 plus x. Now 5 plus x plus 20, that is 25 plus x. This plus this, this plus this. Then again 25 plus 15, that is 40 plus x. 25 plus 15 is 40 plus x. Then 40 plus x plus y. 40 plus x plus y, and 40 plus x plus y plus 5 is 45 plus x plus y. So what I did, just I'm repeating, 5 plus x plus 20, 25 plus 15, 40, that is 40 plus x, 40 plus x plus y, 40 plus x plus y is 45 plus x plus y. तो इस formula के अंदर let us see what are the things that we got. लोअर लिमिट हमको मिल गया, n बाय टू वैल्यू आई गॉट इट, दैट इज 30. नाउ हियर व्हाट आई नीड इज, यहाँ मुझे साइज ऑफ द क्लास भी आपको मिल जाएगा. व्हाट इज इट? अपर लिमिट माइनस हाई लोअर लिमिट, दैट इज 10. और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. देखिए ये मीडियन क्लास है, उससे पहला वाला कौन सा है? उसका पहला वाला दिस इज सी एफ, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, दैट इज 5 प्लस एक्स. तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 5 प्लस एक्स. यहाँ एफ है, एफ मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 20 मल्टीप्लाइड बाय एच. एच इज द साइज. साइज कितना है? 10. यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज इक्वल टू 20. सो नाउ आई गॉट ऑल दीज थिंग्स. आई हैव फिल्ड एवरीथिंग इन द फॉर्मूला. लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20 है, n बाई टू 30 है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास है 5 प्लस एक्स, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है 20, साइज इज 10. अब यहाँ पर लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. यहाँ पर आप कीजिए इसको फ्रीक्वेंसी. आप यहाँ पर है 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 60. सो दिस गॉट हियर. सो इसको टोटल हमने किया तो कितना हो गया ये? 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60. दिस टोटल शुड बी 60. सो ऑलरेडी वी हैव एडेड हियर दिस थिंग्स. वी हैव एडेड 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 is 45 plus x plus y. So this I'll get x plus y
is equal to 60 minus 45. So x plus y is equal to 60 minus 45 is 15. 60 minus 45 is 15. Now here if I solve this one, median already is given to you, that is 28.5. median आपको already दे रखा है, कितना median दिया है, 28.5, already it is given to you, so let us note it here. तो this I'll transpose it here, 28.5 minus 20, and this is, this I, if I transpose it, then 30 minus of plus is minus, minus x, and here if I do it, cancellation, 10 ones are 10 twos are, so this divided by 2 I am getting, 30 minus 5 minus x divided by 2, and this meanwhile if I do it here, it becomes 8.5, 28.5 minus 20 is 8.5, is equal to 35 minus, 30 minus 5 is 25, 30 minus 5 is 25 minus x divided by 2, and this if I cross multiply, this if I cross multiply, we will get what, 2 8s are 16 and 2 5s are 10, carry 1, 2 8s are 16 plus 1 is 17, is equal to 25 minus x. So 17 minus 25 is equal to minus x, so minus 8 is equal to minus x. So x is equal to how much? 8. Minus x is equal to minus 8. Minus x is equal to minus 8. So plus x will be equal to plus 8. So I'll put this x here. 8 plus y is equal to 15. So y is equal to 15 minus 8. And so y is equal to how much? 7. So this is the answer. Y is, so missing frequency is 8 and 7. Let me repeat the steps what I had done. मैंने क्या किया यहाँ पर आप देखो, पहले तो median class ढूँढा. Median class कैसे ढूँढा? Median उन्होंने दिया है मुझे, median दिया है 28.5. अगर median if they have given us, then 28.5 lies between 20 and 30. So this becomes the median class. So the first step is I have found the median class. Then lower limit of the median class is 20. N by 2 where I got it? Total frequency he has given as 60. So 60 divided by 2 is how much? 30 I got it. Next, cumulative frequency of the preceding class. So preceding class, see this is the cumulative frequency, 5. This is the cumulative frequency, and cumulative frequency of the class before the median class, and that is 5 plus x. Size of the class interval, this minus this, that is 10. And frequency of the median class is 20. So I got everything in the required for the formula. I have put the values, and after putting the values, what I got here is x is equal to 8. I got x is equal to 8. Now here, how to find y? This total 45 plus x plus y is equal to 60, but x plus y will be equal to what? 60 minus 45, that is 15. If I put the value of x, if I put the value of x here, then 8 plus y will be equal to 15. So 15 minus y is 8 is 7. So this is how you have to find the median class. So this is important problem. Actually the first problem was all the information required for this formula was given, and you are asked to find out the median. Now in this formula, in this type, they have given the median, they have given the required information, but they have not given some frequencies. Some frequencies are missing, and that you have to find out. So this is the second type of problem for calculation of median. I hope the things are simple. You might have understood it.